तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन, ह्यूमन डेविल और शिनचैन तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले खत्म करेंगे वो लोग घोस्ट रोबोट को। और इसके लिए ह्यूमन डेविल एक रेड मैजिकल सर्कल बनाता है जिसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता, और वो लोग किसी तरीके से घोस्ट रोबोट को बेहोश करके लेकर आ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वो उनकी साइड होता है या सर्बियन डांसिंग लेडी की तरफ, और वो सर्बियन डांसिंग लेडी की ही तरफ होता है। तो ये लोग मजबूरी में उसको मार डालते हैं और इस तरीके से एंड हो जाता है घोस्ट रोबोट का। वहीं सर्बियन डांसिंग लेडी कोशिश करती है घोस्ट रोबोट को बचाने की और एंटर करने की इनके रेड सर्कल के अंदर, बट इनका रेड सर्कल इतना पावरफुल होता है कि वो एक बार भी एंटर नहीं कर पाती है। और इस तरीके से घोस्ट रोबोट खत्म। अब सर्बियन डांसिंग लेडी की बारी है कि फ्रैंकलिन, ह्यूमन डेविल और शिनचैन खत्म कर पाएंगे सर्बियन डांसिंग लेडी को। देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो गाइज, लास्ट टाइम ना चाहते हो भी हमें यार, हमारा एक दोस्त जो कि हम बाद में हमारा दुश्मन बन गया था, अपना ये घोस्ट रोबोट, इसको मारना पड़ गया था। और अभी फिलहाल ये हमारे बीच नहीं रहा है गाइज, ये टपक गया, इसकी तारे वारे हम लोगों ने सब कुछ काट दिया और इसी वजह से अब ये अलाइव नहीं है। अब बचती है सिर्फ और सिर्फ सर्बियन डांसिंग लेडी। अब कुछ भी करके गाइज हम लोगों को उसे भी जल्द से जल्द खत्म करना है। और लॉस सैंटोस में पिंच एंड चॉप और बाकी जितने भी हमारे दोस्त और जितने भी लॉस सैंटोस के लोग हैं सबको बचाना है। क्यों भाई? अरे हाँ यार, सबको बचा कर रहेंगे हम लोग। अरे हाँ यार, एक बार ये सर्बियन डांसिंग लेडी खत्म हो जाए फिर तो हम लोग सबको बचा ही लेंगे। यस गाइज, बस इसको खत्म करना है किसी तरीके से और फिर तो लॉस सैंटोस हमारा वापस से पहले की तरह नॉर्मल, पहले की तरफ सेफ हो जाएगा। वैसे तुम लोगों के पास कोई आइडिया है सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने का? देखो यार, कल तो तुमने देखा ही कि मेरा ये जो रेड सर्कल है कितना मैजिकल है। हाँ भाई, कल तो हम लोगों ने देखा है गाइज लिटरली में कितना पावरफुल है ये। जब जब सर्बियन डांसिंग लेडी अटैक करी थी गाइज, एक बार तो वो जलने लग गई, दोबारा ट्राई किया उसने एंटर करने का, दोबारा भी जलने लग गई, दोबारा उसने ट्राई किया वो उड़ के उधर चली गई, चौथी बार उसने ट्राई किया वो उड़ के उधर चली गई। गाइज इतना पावरफुल है इसका ये रेड सर्कल। बिल्कुल, तो प्लान मैंने रेडी कर लिया है फ्रैंकलिन, जानकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, वैसे प्लान क्या है? प्लान मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। क्यों भाई, अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी सबसे पहले हमें इसकी बॉडी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। अच्छा, वो जो वो घोस्ट रोबोट मार रहा है? हाँ यार, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी का कोई भरोसा नहीं है, वो वापस इसे ज़िंदा कर दे तो। बात तो सही है गाइज, बात तो 100% सही है। तो इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसे कहीं किनारे लेकर चलते हैं और इसकी जो ये बॉडी है रोबोट की, इस बॉडी के अंदर आग लगा देते हैं, जल जाएगा ये, खत्म हो जाएगा। ओके ओके, या फिर इससे भी बढ़िया पानी के अंदर फेंक देते हैं, बहते बहते कहीं और चला जाएगा। हाँ वो भी ठीक है गाइस, बात तो ये भी ठीक है। तो बताओ क्या करना है? मैं तो कहता हूँ भाई, रोबोट है, पानी के अंदर डालेंगे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए समुद्र के अंदर, शॉर्ट सर्किट वगैरह या फिर कुछ और, इससे बढ़िया हम लोग जला ही देते हैं, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, यही करते हैं। तो आ जाओ फिर, बैठो गाड़ी के अंदर, चलते हैं कहीं किनारे एकदम सुनसान सी जगह पे, वहाँ जाके इसे फूंक देते हैं। चला आ जा भाई ह्यूमन डेविल, फटाफट से बैठ तू भी, और अभी चलते हैं गाइज उसको लेकर। चल चल जल्दी बैठ जाए यार। ओके बैठ चुका है ये, और ओके ये रहा। चलो भाई गाड़ी पे रखते हैं इसे। अरे फैमिया चलो यार, गाड़ी पे रख दिया तुमने। हाँ हाँ चलते हैं अभी गाइज। दिन में तो भाई कोई खतरा नहीं है सर्बियन डांसिंग लेडी का, रात में टेंशन है, वो रात को ही अपना शिकार ढूंढने निकलती है। वैसे अभी तक वो सुधरी कि नहीं भाई? मतलब? अरे मतलब वो भाई लोगों को पहले रात को गायब किया करती थी ना भाई, तो अब सुधर गई कि अभी भी गायब करती है वो लोगों को? अरे अभी भी करती है यार, मैंने न्यूज में देखा था। अच्छा, मतलब खौफ अभी भी है गाइज उसका लॉस सैंटोस के लोगों के अंदर। खैर उसे छोड़ो, हम लोग जल्दी से किसी ठीक ठाक सी जगह पे निकलते हैं और इसको, इस घोस्ट रोबोट को हमेशा के लिए फिनिश कर देते हैं। एकदम ही सुनसान लोकेशन पर आए हैं हम लोग भाई, जहाँ पर दूर दूर तक आजू बाजू कोई भी नहीं है, और आई गेस ये जगह एकदम ही परफेक्ट है इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने की। यस गाइज, ये लॉस सैंटोस का बीच साइड है, वो वाला बीच साइड नहीं भाई, ये वो वाला बीच साइड है जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता, देख रहे हो तुम लोग, इतना बड़ा कुछ खास बीच नहीं है ये, और पहाड़ के इस तरफ है ये, तो इधर कोई भी दूर दूर तक नहीं है, इधर आई गेस हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चल भाई चलो चलो फटाफट से लेकर आओ उसे। अबे तू लेकर आ जा यार। अरे ठीक है, दोनों मिलकर लेकर आते हैं। चलो चलो यार, हमेशा के लिए फिनिश कर देते हैं। सॉरी ब्रो सॉरी, वैसे देख रहे तुम लोग एक बार भाई, इधर देखो पिछली बार मैंने किस हिसाब से इसके तार वार सब काट दिए हैं, देख रहे हो?
मैंने ऐसा किया है कि कोई दोबारा इसे रिक्रिएट भी ना कर सके, और अब हम लोग इसे बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देने वाले हैं तो कोई चांस भी नहीं बचता है कि कोई इसे रिक्रिएट कर पाए। और हमने कोशिश की थी गाइस वापस से इसे अपना दोस्त बनाने की, बट क्या ही करें भाई, ये अभी भी उसके ही चंगुल में फंसा हुआ था और उसी की बातें सुन रहा था, इसलिए कुछ और कर नहीं पाए। अरे थोड़ा साइड में लेकर चलते हैं यार, इसे पानी आ रहा है यहाँ तक तो। हाँ आई गेस यहाँ तक ठीक है। ओके लेट्स गो गाइस, फिनिश और इसी के साथ फिनिश, नाइस। अरे यार पानी यहाँ तक क्यों आ रहा है भाई, जल गया ये, फिनिश हो गया गाइस। यस अब कोई भी इसे बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा सीरियसली में गाइस, कोई भी, हमेशा के लिए डेड। सर्वियन डांसिंग लेडी का राइट हैंड खत्म, और इसी के साथ लो भाई पूरा ही राखी बन गया वो तो, कुछ भी नहीं बचा अब तो। अरे कुछ भी नहीं बचा वो तो सच में ही। चलो भाई हो गया ना ये, अब सही है यार। तो आप बता भाई सर्वियन डांसिंग लेडी को फिनिश करने का तरीका, पहले रात होने दो फिर बताऊंगा मैं। अरे इसके अलग ही नखरे हैं यार। अरे मेरी बात सुनो भाई, रात होने दो फिर बताऊंगा मैं। ठीक है फिर कहाँ चले हम लोग, वापस अपने रेड सर्कल वाले बेस पर चलो। ठीक है लेट्स गो गाइस, चलते हैं वापस अपने रेड सर्कल वाले बेस पर। वैसे यार ह्यूमन डेविल तू बहुत सही बंदा है यार, तू अगर हमें ना मिला होता तो भाई हम लोग क्या ही करते। इस सर्वियन डांसिंग लेडी ने तो हमारा कुत्ता बना दिया था, बट अभी गाइस फाइनली हमें लग रहा है कि शायद हम लोग उससे जीत सकते हैं। बस तुम लोग एक काम करो गाइस, वीडियो को जाकर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग उसे हरा दें। ये सभी के भी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले बटन प्रेस करो, ताकि पहुंचने वाले हम लोग उस रेड सर्कल वाली जगह पर, और इंतजार करते हैं तो बस रात का। यार हिरन बहुत है इधर। तो रात हो चुकी है और फाइनली अब अपना जो ये ह्यूमन डेविल है ये हम लोगों को बताएगा कि सर्वियन डांसिंग लेडी को किस तरीके से ख़त्म करना है। बता भाई तू। देखो यार मेरा प्लान बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से सुनना। ठीक है तो तुम अपने पीछे सर्वियन डांसिंग लेडी को लगाओगे, वो वैसे भी गुस्से में है क्योंकि उसका एक साथी हम लोगों ने मार दिया है, तो वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे ज़रूर दौड़ेगी। ठीक है समझ गया। उसे दौड़ाते दौड़ाते तुम एक काम करोगे। क्या काम करूँगा ये बताना तू। तुम एक काम करोगे, उसे एकदम सुनसान और खाली सी जगह पर लेकर जाओगे। ठीक है लेकर चला गया मान ले, फिर उसके बाद। उसके बाद मैं पहले से ही उस सुनसान और खाली सी जगह पर छुपा रहूंगा। तो ये चीज तो भाई दिन में भी बता सकता था, रात को क्यों बता रहा है। ऐसे यार थोड़ा तुम्हारे अंदर सस्पेंस क्रिएट कर रहा था मैं। अबे तू भी एकदम ही नमूना है भाई, तो उस जगह पे तू पहले से ही छुपा रहेगा, आगे बोलता रहे तू बस। तो आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? तुम उसे एक ही जगह पर बार बार गोल गोल घुमाते रहना। ठीक है। और मैं उसी जगह पर एक और रेड सर्कल क्रिएट कर दूंगा। ओके। और फिर वो हमेशा के लिए उस रेड सर्कल के अंदर कैद होके रह जाएगी। अरे वाह भाई ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, लेकिन यार ये काम तो मेरे पास एक मैजिकल स्टोन था उससे भी हो जाता। क्या हो जाता उससे? मतलब एक ही जगह पर मैं उसे ट्रैप कर सकता था भाई। अच्छा तुमने ये पहले भी ट्राई किया था शायद। हाँ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बस उसे छोड़ो, मेरे वाले प्लान को यूज़ करते हैं। यस गाइस प्लान इसका बहुत ही बढ़िया है यार सीरियसली में। देखो मैं तुम लोगों को एक बार और प्लान बता देता हूँ। मैं सर्वियन डांसिंग लेडी को अपने पीछे लगा के और एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर काटता रहूँगा और वो मेरे पीछे दौड़ती रहेगी। इतने में ये गाइस चुपके से हमारा जो दोस्त है वो उसके चारों तरफ ऐसा ही रेड सर्कल बना देगा, और इससे होगा क्या, वो हमेशा के लिए एक ही जगह पर उस रेड सर्कल के अंदर ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि वो उस रेड सर्कल की लाइन को तो क्रॉस कर ही नहीं सकती। क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो वो जल जाएगी। समझ गया भाई तू? बिल्कुल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भाई, अगर वो जब मेरे पीछे पड़ी होगी तो उतने में रेड सर्कल क्रिएट करेगा तो वो तुझे देख नहीं लेगी। हाँ यार ये बात तो है, और वो फिर तो मेरा पीछा छोड़ के भाग लेगी, निकल लेगी वो तो। ये भी सही बात है। इससे बढ़िया मेरे पास एक और प्लान है। बोलो। मैं उसे अपने पीछे ले जाके किसी सुनसान जगह पे रहूंगा, तू वहां पर वो 5 सेकंड 10 सेकंड फ्रीज करने वाली पावर इस्तेमाल कर दियो। ओके। और मैं इतने में अपनी द गोल्डन स्नाइपर चला दूंगा उसकी नाक पे और वो हो जाएगी बेहोश। अरे वाह। और फिर उसके बाद तू उसके चारों तरफ रेड सर्कल बना दियो। कैसा लगा ये प्लान? अरे ये तो और भी अच्छा प्लान है। तो ठीक है फिर चलते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेट्स गो गाइस। आज सर्बियन डांसिंग लेडी भी गई भाई, छोड़ेंगे नहीं आज हम लोग उसे। बैठ भाई शिनचैन। अरे यार मैं आज नीचे ही बैठूंगा।
तो भाई तू यार ह्यूमन डेविल गाड़ी की छत पे? अरे यार ये तो बड़ी गलत बात है, एडजस्ट कर ले यार थोड़ा। ठीक है चल भाई बैठ गया। अबे ये तो पूरा आराम से ही बैठ गया यार गाड़ी के बिल्कुल साइड में। चलो कोई बात नहीं, जैसे तुझे बैठना है तू बैठ भाई, आराम से बैठियो, गिरियो मत। ठीक है चलाते रहो चलाते रहो। ओके अब बता वो कौन सी सुनसान जगह होगी जहाँ पर हम लोग सरबीन डांसिंग लेडी को ट्रैप करेंगे? तो ठीक है सुनो उस सुनसान जगह के बारे में, ये जगह कैसी है? अबे चल यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। अच्छा हाँ भाई सुनसान जगह लॉस सैंटोस में ही कहीं होनी चाहिए। तो ठीक है वापस चलते हैं, पीछे लो गाड़ी को। चल चल भाई चल फटाफट से गाइस कोई सुनसान जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर सर्वियन डांसिंग लेडी को बेहोश करके और उसे ट्रैप कर देंगे। लेट्स गो, वेरी सिंपल प्लान। बस तुम लोग जाकर गाइस इस वाली वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। यस गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेगी भाई सुनसान जगह, देख रहा हूँ मैं। अबे तू क्या जिंदगी भर देखता ही रहेगा, जल्दी से ढूंढ। इधर तो यार शहर ही शहर बसा पड़ा है, इधर तो ट्रैप करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर कहाँ ट्रैप करें उसे? सोचने दो, कब से तो सोच ही रहा है तेरे पे, एक जगह नहीं सोची जा रही है यार, हद है भाई तू भी। अरे यार मैं एक ऐसी जगह ढूंढना चाह रहा हूँ जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ना हो अगर हम लोग उसे ट्रैप कर दे तो। ये कैसी जगह है भाई? एक पार्किंग है छोटी सी बढ़िया सी। हाँ ये नाइस तो है, तो फिर यहीं पे ट्रैप कर दें। चलो कोई बात नहीं ठीक है। हाँ वही तो भाई, एकदम बढ़िया जगह है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मस्त यहाँ पर छुप जाएगी, मतलब छुपा सकते हैं हम लोग सर्वियन डांसिंग लेडी को जब तक उसे पूरी तरीके से हम लोग ख़त्म ना कर दें, क्या बोलता है? बिल्डिंग वालों को दिक्कत हो सकती है। अबे यार बिल्डिंग वालों के लिए सोचता रहेगा तो फिर तो हो लिया काम। ठीक है रुक जाओ कोई और जगह देखते हैं। भाई यार कोई जगह ही नहीं मिल रही भाई ऐसी जहाँ पर हम लोग सर्वियन डांसिंग लेडी को ट्रैप कर सकें। ये जगह कैसी है यार? हाँ ये वाली जगह थोड़ी बढ़िया है। तो ठीक है एक काम कर भाई, तू यहीं पे उतर जा। ओके तू यहीं पे उतर के तू यहीं पर पीछे कहीं जाके छुप जा और जब मैं सर्वियन डांसिंग लेडी को लेकर आऊँ उसे बस फ्रीज कर दियो और फिर हम लोग प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके चलो गाइस, वो तो जाके पीछे छुप गया वहाँ पे, अब बस काम रह गया है सर्वियन डांसिंग लेडी को ढूंढना। लेट्स गो ढूंढते हैं उसे। अरे कहाँ मिलेगी वो, क्या लगता है? पता नहीं लास्ट टाइम तो यहीं पर एग्जैक्टली इसी जगह पर मिल गई थी हम लोगों को, आज पता नहीं कहाँ मिलेगी भाई डांस करते हुए। गुस्से में होगी भाई वो जहाँ पर भी मिले। ये कौन है भाई, डरा रहे हो यार तुम तो एक सेकंड के लिए। क्या देख रहा है भाई तू इधर? सिक्योरिटी गार्ड ब्रो अपने डॉगी को लेकर आया है। क्या है यहाँ पर? पता नहीं भाई क्या ही है, टॉर्च जला के क्या देख रहा था वो। छोड़ो हम लोग ढूंढते हैं सर्वियन डांसिंग लेडी को। मैं कह रहा था गाइस कि आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, बदला लेने के मूड में होगी वो, क्योंकि उसके फ्रेंड को, फ्रेंड तो नहीं कह सकते, उसका एक साथी था उसको हम लोगों ने ख़त्म ज़रूर कर दिया है, इसी वजह से काफ़ी हेल्प हो रही थी भाई उससे उसकी, बहुत जगह वो जा रहा था उसका साथ देने के लिए, लेकिन अब उसे वो सारे काम अकेले ही करने पड़ेंगे। मिलेगी कहाँ ये, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अरे सामने है यार वो। यस गाइस फाइनली जिसकी तलाश थी वो फाइनली हमें मिल चुकी है, जस्ट एग्जैक्टली हमारे सामने है वो। आज तो गई बेटा ये, आज तो गई, आज तो लिटरली में गई ये। ओए सर्वियन डांसिंग लेडी तेरे पीछे ही है हम लोग। ओरा भाई सब कितनी स्ट्रांग है ये, मैंने टक्कर मारी कुछ हुआ क्यों नहीं इसके? ओए 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 आ रही आ रही आ रही आ रही है। अरे फैमिले भगा लो यार। ओके आ रही है आ रही है। ओए ओ सामने टेलीपोर्ट करके आ गई, वेट व्हाट, आज तो ये टेलीपोर्ट भी कर रही है। और भाई साहब भागो 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 भागो। और भाई आज तो टेलीपोर्टिंग वाली पावर का भी यूज़ कर रही है गाइज, इससे पहले कि हमारे टेलीपोर्ट होके ज़्यादा करीब आए, अब निकल लो यहाँ से। पता नहीं भाई कैसे टेलीपोर्ट होके आ रही है ये, वेट ओए मैंने गाड़ी चढ़ा दी। भाई साहब ये कैसे हमारे पास इतनी जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट हो रही है गाइज, लिटरली में सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देख रहे हो तुम लोग कैसे गायब होके आ रही है ये, कैसे हो रहा है भाई ये? ओए वो फिर से आ गई ये हमारे जस्ट आंखों के सामने, क्या ड्रामा हो रहा है ये? अरे फैमे यार आज तो ये टेलीपोर्ट भी कर रही है बार बार। और टेलीपोर्ट हो रही है लेकिन हमारी गाड़ी के जस्ट आ गई गाइस, जल्दी 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 हम लोग निकलते हैं फटाफट से ह्यूमन डेविल के पास, जल्दी से ह्यूमन डेविल के पास निकलना होगा। और भाई 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 इधर भी आ गई है, किधर 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 गाड़ी, ओए सामने आ गई, एक सेकंड एक सेकंड, ओए इधर भी आ गई है ये, क्या सीन हो रहा है ये, किधर जाऊं मैं? अरे इधर भी आ गई है ये, अरे हर जगह, सीरियसली में हर जगह, इधर भी आ गई भाई सामने,
किधर जाऊं, अब तो जिस रास्ते पे गाड़ी मोड़ रहा हूं उधर आ रही है ये, कैसे हो रहा है ये। आ गई गाइस, हम लोग पहुंचने वाले फाइनली। भाई बहुत मुश्किल हुई आज इसे लाने में, टेलीपोर्ट भी कर रही थी बार बार ये। ओके इस जगह पे। ओए ह्यूमन डेविल कम ऑन, यूज कर, आ गई है वो, फ्रीजिंग पावर का यूज कर, मैं अपनी गोल्डन स्नाइपर निकालता हूँ, जल्दी से फ्रीज कर जल्दी। भाई लो यार, फ्रीज कर दिया मैंने। ओके गोल्डन स्नाइपर मेरी, गोल्डन स्नाइपर रेडी। ओके लेट्स गो फायर। ओके नाइस, नाक पे लगी है गोली, पता नहीं भाई नाक पे लगी है कहाँ लगी है। तो एक काम कर, जल्दी से बाहर है ह्यूमन डेविल और अपना रेड सर्कल क्रिएट कर। रुको यार अभी क्रिएट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो फ्रैंकलिन, कर दी मैंने क्रिएट रेड सर्कल। वाह भाई कुछ ज्यादा छोटा नहीं है। अरे सही तो है यार, उसके पास कम जगह होगी और वो और ज्यादा तड़पेगी। नाइस। अब बताओ आगे क्या करना है। कुछ नहीं करना भाई अब, कुछ नहीं। अरे उसे मारना नहीं है। हाँ मतलब मारना है, लेकिन कैसे मारना है। उसके अंदर मत जाओ फ्रैंकलिन, खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ बात तो सही है। और अब बड़ी जल्दी होश में आ गई है तो। और वो देखो वहां से निकलने की, भागने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं भाग पा रही है। अरे वाह यार ये बहुत ही सही है। बेटे फंस गई, अब कुछ नहीं कर सकती है अब हमारा। अब सोचो उसको कैसे खत्म करना है। अरे मैं बताऊं क्या, बोल भाई शिनचैन। अरे एक काम करते हैं, हम लोग वो नॉर्थ एंगटन वाले उन वाले बाबा के पास जाए क्या। ओ नॉर्थ एंगटन वाले वो बाबा जी। अरे हाँ उन्हें क्या पता, पता हो यार कैसे खत्म करना है। अबे लेकिन पता तो हमें भी है। कैसे खत्म करना है बताओ। अबे भाई सिंपली क्या था रूल, कि सर्बियन डांसिंग लेडी को कोई या तो कोई ह्यूमन नहीं मार सकता, या तो कोई मशीन या तो मॉन्स्टर, तो तू मॉन्स्टर है ही मार सकता है उसे। मारने को तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन किस चीज से अटैक करूँ, मुक्को से। नहीं मुक्के से तो नहीं अटैक करेगा तू। वही तो बताओ तो, गन से अटैक करूँ, गन से तो तुमने भी अटैक किया था। ये भी बात सही है। तो फिर वही तो यार, कुछ अलग वेपन होगा, जिस वेपन को कोई मॉन्स्टर या तो कोई मशीन इस्तेमाल करके ही मार सकता है इसे। मतलब दो रूल्स हैं सर्बियन डांसिंग लेडी को ख़त्म करने के लिए, दो कैटेगरी पूरी करनी पड़ेगी। एक तो जो बंदा मारेगा सर्बियन डांसिंग लेडी को, या तो वो मॉन्स्टर या तो मशीन होना चाहिए, ह्यूमन के अलावा कुछ भी हो सकता है वो। दूसरी चीज़ ये मैटर करती है गाइस, कि वो किस वेपन से अटैक करेगा, मतलब कोई स्पेशल वेपन या तो कोई स्पेशल चीज़ होगी जिसका यूज़ करके इस सर्बियन डांसिंग लेडी को ख़त्म किया जा सकता है। अरे लेकिन वो स्पेशल चीज़ क्या होगी, ये तो वो गुरुजी बताएंगे। चलते हैं ना नॉर्थ एंगटन। बात तो सही कह रहा है गाइस, चलो भाई नॉर्थ एंगटन चलते हैं। पक्का उन्हें पता होगा ये सब। अरे बिल्कुल भाई, बहुत स्मार्ट है वो गुरुजी, उन्हें सब कुछ पता है। आजा आजा भाई जल्दी बैठ गाड़ी के अंदर, वरना शिनचैन बैठ जाएगा। अरे मैं भी बैठ जाऊँ। अरे बैठ जा भाई, शिनचैन तेरे लिए तो भाई छत पे बैठ गया पहली। अभी हम लोग गाइस यहाँ से निकलते हैं, ये भाग तो नहीं जाएगी यहाँ से। अरे बिल्कुल नहीं यार, किसी की औकात नहीं है ये इस रेड सर्कल के अंदर एंटर कर जाए। तब वो तो कोई भी वो नहीं एंटर कर सकता ना भाई, कोई भी बैड पर्सन, मतलब कोई भी ये मॉन्स्टर टाइप का बंदा। हाँ मतलब वही, कोई नॉर्मल ह्यूमन अंदर एंटर कर जाएगा। तुम्हारा फ्रेंड वगैरह होगा तो शायद एंटर कर जाए। अरे तो कौन सा फ्रेंड है मेरा, सारे फ्रेंड को तो वो किडनैप करके बैठ गई है। चलो गाइस फटाफट से एयरपोर्ट निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ओके एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं गाइस, पुलिस वाले भी है भाई रात को। ओके चलो यहाँ से अंदर। ओके नाइस, और यहाँ से ये। ओके आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर हम लोग, प्लेन से जाएंगे। प्लेन भी है तुम्हारे पास? मतलब मेरा प्लेन नहीं है, किसी और का है, मैंने चुराया था क्या। हाँ भाई हाँ, प्लेन वैसे है कहाँ पता नहीं, मैंने यहीं पे रखा था, पार्क किया था शायद। नहीं है यहाँ पे प्लेन। अरे कहाँ गया तो फिर तुम्हारा प्लेन। पता नहीं भाई, आई हैव नो आइडिया मेरा प्लेन कहाँ गया। रेड कलर का प्लेन था गाइस, उस दिन लैंड करके मैंने कहीं और ही फेंक दिया क्या उसे। आई हैव नो आइडिया मैंने उस दिन कहाँ पे लैंड किया था, हमारा हेलीकॉप्टर वहाँ पर पड़ा हुआ है। कहाँ पर गया यार प्लेन, समझ ही नहीं आ रहा। रेड कलर का प्लेन था, एक सेकेंड लेट मी रिमेम्बर, मुझे नहीं याद आ रहा यार। मेरे को लग रहा है वो प्लेन कोई और पायलट लेके उड़ गया। तो फिर अब मेरे को कोई पर्सनल प्लेन कहाँ से मिलेगा। नॉर्थ इंग्लैंड जाने का कोई और तरीका नहीं है क्या। नहीं भाई प्लेन से ही जा सकते हैं, वो एक आइलैंड है, वहाँ पे गाड़ी और रोड वगैरह कुछ बने नहीं है, तो जाएंगे कैसे, गाड़ी से तो जा नहीं सकते। प्लेन हेलीकॉप्टर यही तरीका है भाई वहाँ जाने के। प्लेन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा भाई मेरा प्यारा सा वो रेड वाला प्लेन, इधर ही होना चाहिए था, कहाँ गया वो। दिस इज़ वेरी बैड। अरे यार अब प्लेन कहाँ से मिलेगा।
प्लेन नहीं मिल रहा तो भाई प्राइवेट प्लेन लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक बड़ा सा प्लेन है। वो गाइस एक अच्छा खासा स्टंट प्लेन था। ओए एक स्टंट प्लेन यहाँ पे भी है। ओए हो गया जुगाड़ तो प्लेन का। प्लेन उड़ाना आता है तुम्हें अच्छी तरीके से? अबे तुम एयर पे शक कर रहा भाई, एकदम खतरनाक प्लेन उड़ाता हूँ मैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से बैठो फटाफट से बैठो। बहुत ही बड़े वाला स्टंट प्लेन मिल गया यार। अरे मैं भी बैठ जाऊं यार। भाई तेर को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। चल भाई ह्यूमन डेविल फटाफट से बैठ जा। ओके शिनचैन जल्दी है भाई जल्दी है, टाइम नहीं है। ओके शिनचैन पीछे बैठ चुका है, आगे बैठ गया ह्यूमन डेविल और मैं। अभी फटाफट से इस प्लेन को लेकर चलते हैं गाइज हम लोग नॉर्थ यंगटन की तरफ। चलो भाई जल्दी बढ़िया टेक ऑफ कर लिया। सही है यार, यही तो फायदा है स्टंट प्लेन्स का। अब जरा सी जगह में टेक ऑफ हो जाता है, जरा सी जगह में लैंड हो जाता है। चलो भाई काफ़ी ज़्यादा देर लग गई गाइज हमें, सीरियसली में भाई बहुत ज़्यादा देर लग गई अब वो प्लेन ढूंढने में, और नॉर्थ यंगटन जाने में भी अब बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, कल सुबह तक तो पहुँच ही जाएंगे, चलते हैं फटाफट। अरे यार बड़े दिनों से पी नहीं थी, आज तो मजा ही आ गया पी के। घर चलते हैं, मेरा घर अरे इधर ही तो रहता हूँ मैं तो अपने घर की लोकेशन भी भूल जाता हूँ कभी कभी। अरे भाई तुम भी इधर ही रहते हो क्या? भाई कभी तुम्हें देखा नहीं कभी। हेलो भाई। अरे भाई, अरे भाई लाइट जला के क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? हैं कितनी प्यारी प्यारी लाइट है ये। हैं भाई लाइट देखते हो क्या तुम? अरे भाई कुछ तो बोलो, ये भाई कुछ बोल ही नहीं रहा। लाइट क्यों जला रखी है यार? ऐसे मत बिखेरो, कोई आके फोड़ देगा लाइटों को। रुक जाओ, तुम्हारी लाइटें साइड में रख देता हूँ मैं। लो भाई तुम्हारी लाइटें मैंने साइड में रख दी, अब तो खुश। इधर वाली भी समेट के साइड में रख देता हूँ। अरे भाई मारा क्यों लाइट तो समेट। समझ गया मुझे क्या करना है, समझ गया मैं सब कुछ, समझ गया मैं सर्बियन डांसिंग लेडी, सब कुछ समझ गया मैं। वेलकम टू नॉर्थ यंगटन गाइस। सीधे अगली सुबह पहुंच रहे हैं भाई हम लोग नॉर्थ यंगटन, बट जो भी हो फाइनली पहुंचने तो वाले हैं। अभी जाकर उन वाले गुरुजी से मिलते हैं और पूछते हैं भाई तरीका कि किस तरीके से हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को पूरा ख़त्म कर सकते हैं, क्या ऐसा वेपन यूज़ करें, क्या ऐसा तरीका यूज़ करें जिससे हम लोग उसे फिनिश कर दें। क्योंकि देखो भाई सर्बियन डांसिंग लेडी तो अभी अपने मैजिकल वाले रेड सर्कल में वहाँ पर कैद पड़ी है, तो वो तो कहीं हिल डुल नहीं सकती। अब लॉस सैंटोस के लोग अभी बिल्कुल एकदम सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे आप जल्दी से लैंड करो यार। हाँ हाँ बस लैंड कर रहा हूँ, ये आगे वाले ब्रिज पर ही तो रहते हैं वो गुरुजी। सिंपली गाइस इधर ही लैंड करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। ओके ओके प्यारी सी एकदम प्यारी सी लैंडिंग, और लो भाई हो गई एकदम ब्यूटीफुल सी प्यारी सी लैंडिंग। अभी चल के पूछते हैं ज़रा इनसे। अरे तुम्हें पक्का पता है इन्हें कुछ पता होगा? अरे हाँ हाँ पता है भाई, बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। हेलो गुरुजी, आ चुका हूँ मैं वापस। अरे तुम फिर आ गए? हाँ वो सर्बियन डांसिंग लेडी को मैंने कैप्चर कर दिया है, और उसको ख़त्म करने का कोई तरीका बताओ। तरीका अभी बताता हूँ। बताओ बताओ। बहुत ही बढ़िया तरीका है। बताओ बताओ। ये है तरीका। अबे 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 पागल हो गए क्या ये? अरे ये क्या है यार? ओए 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 इन्हें क्या हो गया भाई? उत्तरी और भाई ये तो ताबड़तोड़ एकदम गोलियां चल रही हैं। भाई ह्यूमन डेविल कहाँ है तू? अरे फैमिया क्या हो गया यार इन्हें? पता नहीं भाई क्या हो गया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाए जा रहे हैं। ओ ह्यूमन डेविल भाई तू कहाँ है? आर यू सेफ ब्रो? अरे यार ये तो भाई पागल ही हो गए ये तो। अरे गुरुजी गुरुजी करते घूम रहे थे, ये तो मेरे ऊपर ही गोलियां चला रहे हैं। यार ये कहाँ गया? अबे ये कहाँ गया भाई? ह्यूमन डेविल कहाँ गया? पता नहीं भाई वो कहाँ चला गया गोलियों की आवाज़ सुन के, होना तो इधर ही चाहिए। अबे इन्हें हो क्या गया है यार? लिटरली में ये तो हमेशा हमारी हेल्प करते थे, ये गोलियां क्यों चला रहे हैं हमारे ऊपर? अरे भाई ऊपर गोलियां चला रहे हैं ये। अरे अरे गया मैं गया मैं गया गया गया। ओए ओए ह्यूमन डेविल तू कहाँ है यार ब्रो? अरे भागो। अरे क्या हो रहा है ये? पता नहीं भाई। तो ठीक तो है भाई ह्यूमन डेविल? अरे हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुम्हारे ये गुरुजी को क्या हो गया है? पता नहीं भाई क्या हो गया है, तो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। अरे रुको मैं अपनी किसी पावर का यूज करता हूँ। कर भाई जल्दी कर। अरे जल्दी कर भाई तू कहाँ जा रहा है? रुको रुको
अरे यही चलता रहा तो ये तो हमारा प्लेन ब्लास्ट कर देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं। हाँ भाई एक काम कर शिनचैन, तू प्लेन से बाहर आ जा। अरे जल्दी कुछ कर भाई, तू क्या कर रहा है। लो यार। अबे मार दिया। मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश किया है। अच्छा हुआ क्या है इन्हें? ये तो पता नहीं, लेकिन अभी एक पावर का यूज करूंगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि इन्हें हुआ क्या था। ठीक है, वैसे इन्होंने तो मेरे अंदर गोलियां भर दी यार। फिलहाल तो जो भी हो गाइस, पता नहीं क्या सीन हुआ है यहाँ पर, बट कुछ तो गलत हुआ है। खैर जो भी है इसे पता लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पूरी सीरीज को देखने के लिए तुम लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो भाई, यहाँ पर तुम्हें हमारी पूरी की पूरी सीरीज मिल जाएगी सर्बियन डांसिंग लेडी की। तो यहाँ पर क्लिक करो, सारी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।